दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना है, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नामकरण सीजन 2 के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी फैंस के लिए कमाल की गुड न्यूज़ आई है। और दोस्तों हर बार की तरह एक पैसा लाइक ना वीडियो पे कर दीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप हमारी वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो बिना कोई रुकावट के। तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 88% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, 12% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आप ऐसा करोगे तो कैसा होगा यार, अगर आप सभी मिलके कर लेते तो अभी तक तो 1 मिलियन पहुंच जाते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लो। सो गाइस, मेरा नाम है तंजीर खान और आप देख रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि बात होने वाली है नामकरण सीजन 2 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, नामकरण सीजन 1 ये शुरू हुआ था स्टार प्लस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का शो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये शो था। 4 साल हो चुके हैं और शो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। नील एंड अवनी की जोड़ी यहाँ पे हमें नज़र आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की थी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था ये शो, क्योंकि यहाँ पे हमें जैन इमाम नज़र आते थे। जी हाँ दोस्तों, जैन इमाम और अदिति राठौड़ की ये जोड़ी इतनी ज़्यादा बेहतरीन और इतनी ज़्यादा कमाल की थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब ये जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर बन गई थी बहुत कम समय में कि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इसे और बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा फेम मिल गया। स्टार प्लस का ये बहुत ज़्यादा फेमस एक शो था, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा TRP गेन कर लिया था इस शो ने, इस सीरियल ने। लेकिन अचानक से वही बात आ जाती है, TRP डाउन तो सीरियल डाउन, यानी सीरियल बंद। तो ऐसे हुआ स्टार प्लस के इस शो के साथ जिसका नाम है नामकरण, तो ये शो भी बंद हो गया। तो जब से अभी तक खबर ये नहीं निकल के आई थी कि इसका सीज़न 2 शुरू हो सकता है। वेल दोस्तों, यहाँ पे जो नील एंड अवनी है ये फिर से वापस आ सकते हैं। नामकरण सीजन 2 रिलीज डेट एंड लेटेस्ट अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आ रही है नामकरण 2 गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे जैन इमाम न्यू शो। जी हाँ दोस्तों, जैन इमाम का न्यू शो हो सकता है नामकरण सीजन 2। तो क्या गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आ रही है और रिलीज डेट क्या हो सकती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे जो नामकरण है वो बहुत ज़्यादा फेमस एक शो है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक शो है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इससे। नील अवनी से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं लोग कि इसका सीज़न 2 देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि कब तक यहाँ पे जो आपका नामकरण सीज़न 2 आने वाला है। देखो खबरें के अनुसार, खबरें जो निकल के आ रही है, तो खबरें के अनुसार जो है यहाँ पे 2022 में आप सभी को नज़र आ सकता है नामकरण सीज़न 2। ऑफिशियल कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि यहाँ पे इस तारीख को आ जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 2022 से पहले यहाँ पे नामकरण का सीज़न 2 शुरू किया जा सकता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे कास्ट कौन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जैन इमाम फना इश्क में मरजावा में नज़र आ रहे हैं, तो वो यहाँ कैसे आएंगे, सबसे बड़ा ये सवाल है। और अदिति राठौड़, हाँ वो आ सकते हैं, लेकिन जैन इमाम का क्या, जैन इमाम कैसे आएंगे इस प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे हो ये सकता है कि यहाँ पे जो आपका हीरो है उसे चेंज कर दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैन इमाम के अलावा किसी और को यहाँ पे ले सकते हैं मेकर्स और यहाँ पे सीरियल को शुरू कर सकते हैं। अब जैन इमाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक एक्टर है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार और पसंद करते हैं वो भी जैन इमाम को, और प्यार बेशुमार देते हैं।
अब आप सभी देख ही रहे होंगे फरा इश्क में मर जावा में कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, वो भी यहाँ पे ज़ैन इमाम को। बात यहाँ भी आती है कि रिलीज़ डेट कब तक हो सकती है, और यहाँ पे ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि न्यू कास्ट ली जाएगी या पुरानी कास्ट रहेगी। देखो लोग जो चाहते हो, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि पुरानी कास्ट को लिया जाए। पुरानी कास्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी, लोगों का ये कहना था, और शो अवनी और यहाँ पे जो आपके उनके साथ ही अच्छा लगता है शो, यहाँ पे आदित्य राठौड़ और ज़ैन इमाम के साथ ही शो अच्छा लगता है यहाँ पे, इनका कहना है वो भी लोगों का। चूँकि कमाल की बात है नील एंड अवनी की जोड़ी, जी हाँ दोस्तों, नील एंड अवनी की जोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा कमाल की है। ये शो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ पे हो सकता है मेकर्स नई कास्ट ले ले, हो सकता है पुरानी कास्ट को बुला ले, हो सकता है ज़ैन इमाम इसमें नज़र आए, ज़ैन इमाम का ये नया शो हो। लेकिन दोस्तों फना इश्क में मर जावा नया शो है वो भी ज़ैन इमाम का, उसमें वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो इसमें आएगी या नहीं, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल में गुड न्यूज़ तो ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे नामकरण का सीज़न 2 आने वाला है, और ये जब आने वाला है तो क्या तूफान लेके आएगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे सवाल है। बात करते हैं इसकी रिलीज़ डेट के बारे में, तो उसकी रिलीज़ डेट कब तक हो सकती है और कब तक हमें ये देखने मिल सकता है, और ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे नामकरण का सीज़न 2 आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि अपडेट तो ऐसे निकल के आ रही है कि नामकरण का सीज़न 2 यहाँ पे मेकर्स शुरू करने वाले हैं। अब मेकर्स शुरू करने वाले हैं तो हम गलत तो कह नहीं सकते। तो यहाँ पे जो बात ये है कि हो सकता है यहाँ पे नामकरण का सीज़न 2 शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो सीरियल्स हैं उनके सीज़न 2 शुरू होने वाले, एक है एक इसमें से नाम है ये उन दिनों की बात है, और यहाँ पे अभी जो आया है कैसी है यार ये सीज़न 4, तो इसकी भी अपडेट निकल के आई थी कि इनके सीज़न शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पे हो सकता है नामकरण का सीज़न 2 भी शुरू कर दिया जाए, जो कि आप सभी फैंस के लिए वैसे ही कमाल की खुशखबरी है। रिलीज़ डेट आप सभी को देखने मिल सकती है, यानी 2022 से पहले ही देखने मिलेगी, हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे आप सभी को देखने मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे मेकर्स कब तक इस शो को लाते, कब तक इस सीरियल को लाते, और ज़ैन इमाम क्या आते हैं या नहीं, इसमें आदित्य राठौड़ आते हैं या नहीं, नील एंड अवनी रहते हैं या नहीं। अब आप सभी मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना कि अब आप इसमें नई स्टोरी देखना चाहते हो या पुरानी स्टोरी देखना चाहते हो, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्या यहाँ पे सीज़न 2 शुरू होना चाहिए नहीं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। वेलो सो कुछ अपडेट निकल के आ रही थी, सोचा आप सभी को बताते चलो। अपडेट पसंद आए तो एक लाइक वीडियो पर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर ज़रूर करके रखना, इसे क्या होता है नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप हमारी वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो बिना कोई रुकावट के। तो दोस्तों इसी के साथ आपको क्या करना है, नए वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, सभी को बताएं। शेयर करने के बाद आओ नए वीडियो पे लाइक, साथ में नए चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाजू नजर आएगा बेल आइकन, उसे भी क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड करें वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, मैं तंजीर खान, मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय।